Hello guys, this is Sandeep. I'm your spoken trainer. Today I'm gonna teach you. I hope you guys will definitely get what I'm gonna teach you. तो guys, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं has have. देखिए has have इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अगर आपको ये समझ में आ गए तो आप इससे बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हो. तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं. तो हम बात कर रहे हैं has और have की. आप ये वीडियो एंड तक देखना, आपको देखना कि इसमें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी. तो चलिए जी हम शुरू करते हैं. सबसे पहले करते हैं कि हैज़ हैव का मतलब समझ लेते हैं. हैज़ हैव का मतलब होता है कि जो चीज़ आपके पास है उसे हम हैव और हैज़ कहेंगे. अब बड़े ध्यान से देखिए. देखिए लाइक मैं कहूँगा कि मेरे पास कार है. आई हैव अ कार. आई हैव अ कार. मेरे पास कार है. आई हैव अ कार. देखिए जो भी प्लूरल है उसके साथ हम यूज़ करेंगे हैव. जो भी सिंगुलर है उसके साथ हम यूज़ करेंगे हैज़. सिंगुलर फॉर प्लूरल. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा. देखिए आई हैव अ कार. आई को हम प्लूरल मानते हैं. आई हैव अ कार बट लिखने में प्लूरल मानते हैं. आई हैव अ कार. देखिए कि मेरे पास एक कार है. आई हैव अ मोबाइल. मेरे पास एक मोबाइल है. आई हैव अ मोबाइल. मेरे पास एक मोबाइल है. अब हम बना लेते हैं नेक्स्ट. कोई भी नाम पर बना देते हैं. जैसे संदीप के पास पैसे हैं तो हम यूज करेंगे संदीप हैज मनी. संदीप के पास पैसे हैं. संदीप हैज़ मनी. अब हम बात करेंगे इसके नेगेटिव के बारे में. नेगेटिव. मेरे पास कार नहीं है. आई हैव नॉट अ कार. ये तो सिर्फ शुरुआत है. असली नॉलेज तो आपको आगे मिलेगी. आई हैव नॉट अ कार. मेरे पास कार नहीं है. मेरे पास मोबाइल नहीं है. आई हैव नॉट अ मोबाइल. आई हैव नॉट अ मोबाइल. मेरे पास मोबाइल नहीं है. संदीप के पास पैसे नहीं है. संदीप हैज़ नॉट मनी. संदीप हैज़ नॉट मनी. अभी नेक्स्ट देखिए. अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आएगी. नेक्स्ट इज डू नॉट हैव और डज नॉट हैव. डू नॉट हैव. नेक्स्ट इज डज नॉट हैव. इसका मतलब है कि अभी वो मेरे पास वो चीज नहीं है. इसका मतलब कि मेरे पास वो चीज पास नहीं है. डू नॉट हैव और डज नॉट हैव. देखिए इसमें तो हमने नेगेटिव तो वो सिंपल बनाया है. आई हैव नॉट अ कार. आई हैव नॉट अ मोबाइल. संदीप हैज नॉट मनी. इसमें हम बनाएंगे डू नॉट और डज नॉट के साथ. देखिए जैसे ये तो सिंपल ही बनेगा. जैसे आई हैव अ कार. बड़े ध्यान से देखना. आई हैव अ कार. आई हैव अ कार. मेरे पास कार है. आई हैव अ कार. यू हैव अ कार. तुम्हारे पास कार है. ही हैज़. ही के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़. आई हैव अ कार. चलो सीधे संदीप पे बनाते हैं. संदीप हैज़ कार. संदीप हैज़ अ कार. गॉट. अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम बनाएंगे डू नॉट और डज नॉट के साथ. बड़े ध्यान से देखिए. जैसे मेरे पास कार नहीं है. आई डू नॉट हैव अ कार. वाह जी वाह, बड़ा अच्छा. मेरे पास कार नहीं है. आई डू नॉट हैव अ कार. संदीप के पास पैसे नहीं है. संदीप डज नॉट हैव मनी. संदीप के पास पैसे
नहीं है। अब देखिए ये इस दोनों का चक्कर क्या है, लोग बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम हैव नॉट यूज़ करें और या हैज़ नॉट यूज़ करें या फिर डू नॉट हैव यूज़ करें। देखिए जब हम इसमें नेगेटिव पार्ट बनाएंगे तो हम सभी में यूज़ हैव करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया हैज़, संदीप हैज़ नॉट, संदीप हैज़ नॉट मनी, संदीप है, संदीप डज नॉट हैव मनी। ये अमेरिकन है, ये ब्रिटिश है, आपको दोनों में से कोई भी यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं। एक बार फिर बता दो, ये है अमेरिकन और ये है ब्रिटिश, इन दोनों में इतना ही फ़र्क है। तो अब अगर आप कभी भी देखो कि यहाँ पे तो हैव नॉट लगा कर बना रखा है और यहाँ पे डज नॉट हैव लगा कर बना रखा है, तो गाइज आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये अमेरिकन है और ये है ब्रिटिश, जिसे हम यूके भी कह देते हैं, यूके की इंग्लिश, क्योंकि दोनों की इंग्लिश में फ़र्क है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि वॉशरूम, वॉशरूम तो वर्ड हो गया जी ब्रिटिश का, जिसे हम यूके कहते हैं, और जैसे बाथरूम, जैसे आपने कहीं पे लिखा हो दिखा होगा बाथरूम, तो बाथरूम है अमेरिकन वर्ड। तो चलिए गाइज अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको एक चीज़ और करवाऊंगा विच इज़ कॉल्ड हैविंग। हैविंग का यूज़ आपको बड़े अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अब हम यूज़ करते हैं जी हैविंग का। हैविंग का मतलब होता है जी, देखिए ये हमारा बनेगा आई एम के साथ, आई एम हैविंग। इससे पहले मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर करवा दूं। देखिए हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी लगेगा। देखिए जैसे मैं कहूँगा कि आई हैव अ मोबाइल, लाइक नहीं, अभी मैं कोई एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, वो कहीं भी हो सकती है, लाइक पार्किंग में खड़ी हो सकती है या मेरे घर पे हो सकती है, बस उसको मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे पास कार है लेकिन अभी मेरे हाथ में नहीं है, लाइक वो मैं अभी उसमें बैठा नहीं हूँ। तो हैविंग का हम यूज़ तब करेंगे जब आपको चीज़ को लिए हुए हो, जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ, लिए हुए हो, जब आपके पास वो चीज़ है तब हम कहेंगे कि आई एम हैविंग, लाइक आई एम हैविंग अ पेन, आई एम हैविंग अ पेन, मेरे पास पेन है। देखिए मैंने आपको बहुत सारा काम दे दिया तो मैं आपको पूछूं कि आप लिखोगे कैसे, तो आप कहेंगे कि आई एम हैविंग अ पेन, मेरे पास पेन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मुझे कॉल की कि सर चलिए हम कहीं पे चल के आते हैं, तो मैंने कहा कि कैसे जाएंगे, तो आप नीचे कह रहे हैं कि सर डोंट वेरी आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ कार। उसके बाद आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, आई एम हैविंग अ स्कूटी, आई एम हैविंग अ बाइक, कुछ भी आप लिख सकते हो। ओके जी, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अभी मैं आपको एक सेंटेंस लिख के देता हूँ, आई हैव अ पेन। अब आप सोचेंगे कि इसमें तो दो बार हैव आ गया, तो गाइस आई हैव अ पेन, इसका मतलब है कि मैं एक पेन रखता हूँ, आई हैव अ पेन, मैं एक पेन रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ जी आपको वीडियो बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, कीप इन टच, संदीप एकेडमी पतना।